बहुत जोश में नजर आ रहे हैं। यस बढ़ता जा रहा है, दस गुना बढ़ चुका है। ये देखिए बढ़ तो बहुत बहुत स्वागत है। और आज कोई ट्रेनिंग का मौका तो है कि नहीं? ना ट्रेनिंग देना अच्छा लगेगा, ना ट्रेनिंग सुनना अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग चैलेंज क्यों आए हैं? फ्रस्ट्रेशन को दूर करने। जब पूरा एक साल है फ्रस्ट्रेशन जो हमारे अंदर भर जाता है ना, कोई ज्वाइन किया, कोई ज्वाइन नहीं किया, कोई सुपर स्टार बना, कोई सुपर स्टार बन के छोड़ दिया, कोई कुछ में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई अचीवर बन गया, संदीप सर तो बहुत सारा एक्सपीरियंस हमारे बीच आता है। और जब कुछ पॉजिटिव होता है तो हम लोग इधर ऐसा भी करते हैं। जब आप कोई लेवल निकालते हैं, जब आपका चेक बड़ा हो जाता है, जब आपके टीम में लोग चेयरमैन बनते हैं, बहुत अच्छा तो एकदम एक्साइटमेंट है ना, एकदम फुल जोश। और जैसे एक लीडर आपके टीम से छोड़ के चला जाता है, अरे सर सारा कुछ खत्म हो गया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब मेरा मिलते कैसे होगा, और हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, है ना। तो इधर आके थोड़ा सा वो टेंशन को निकाल के जाना है, इसलिए आए वो सारा टेंशन इधर निकाल के और फुल एनर्जी लेके जाना है, क्योंकि 2023 में हम सबको बड़ा इतिहास रखना है। रश्मि के तैयार हैं? yes! सारे लोग तैयार हैं? yes! तो अब तक का जो थाईलैंड का टूर, मैं तो पांचवी बार आया हूं, यहां पे कितने लोग हैं जो पहली बार आए? अच्छा, दूसरी बार कितने लोग आए? दूसरी बार वाले, तीसरी बार, वाओ, चौथी, चार बार, एक दो तीन, वाओ, पांचवी बार, जोरदार तालियां हमारी टीम के लिए। और बेहतर भी है, बेहतर उससे ज्यादा होंगे, छठी बार और छह से ज्यादा, अच्छा सातवीं, अच्छा छह से ज्यादा, मतलब सात, आठ, नौ, आठवीं बार प्रेम प्रेम सर बोल रहे, जोरदार तालियां प्रेम सर के लिए। नौवीं बार, दसवीं, दस के बाद बस बस, बेहतर के लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि ये भी काफी बार आ चुके हैं। तो दोस्तों अब तक का सबसे बेहतरीन टूर रहा, मजा आया। पहला दिन क्रूज मजा आया, दूसरा दिन सफारी वर्ल्ड, फिर टेम्पल, आज ये सारा शॉपिंग। दोस्तों मैं अगर अपनी बात बोलूं तो 2015 में मैं ज्वाइन किया और 2015 से अभी तक टोटल में 12 फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुका, कोई फॉरेन ट्रिप नहीं, 33 लेवल का। तो काम ऐसे करना है कि कंपनी अगर कोई भी ऑफर निकाले ना, तो पहले ये सोचना है कि ये ऑफर मेरे लिए, क्या सोचना है कि ये ऑफर मेरे लिए है, बाकी बाद में अचीव करेंगे, पहले मैं करूंगा। तो जब मैं रूबी स्टार्ट बना तब पहला फॉरेन ट्रिप अचीव किया, लेकिन जब मैं आया तो चेयरमैन बन चुका, अचीव में रूबी में किया, जब आया तो मैं चेयरमैन बन चुका। और लगातार 5 बार थाईलैंड ट्रिप, एक बार तो अपने शहर 4 बार, फिर सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाओ और लंदन, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, 2-3 टूर का पैसा मिल गया कोविड की वजह से, लेकिन ये चीज सारा किया। तो दोस्तों हमेशा बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना पड़ेगा और हमेशा चीजों को पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। जैसे कंपनी कोई भी चीज लेके आई, कोई भी चीज लेके आए, मान लीजिए हरिद्वार आए या कोई भी चीज आए, तो हमें से कई लोग बोलते अरे सर 17,000 में, देखिए कोई भी चीज में ना हमें एक दो चीज दिखता है, एक तो हमें अपॉर्चुनिटी दिखता है कि हरिद्वार टूर आया जिसे हम अपने टीम में मैक्सिमम लोगों को क्वालिफाई करा के और अपने लेवल को मेंटेन करेंगे या नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे, लोगों का चेक खड़ा होगा। और कई लोग बोलते हैं क्या कि सर 17,000 ये कैसे होगा, कंपनी को इतना में देना था, उतना में देना था, उतना में देना था। तो हम लोग किधर से हम लोग सोचते हैं, हम लोग मैनेजमेंट की तरफ से नहीं सोचते हैं, हम लोग अपने बिजनेस और अपने हिसाब से सोचते हैं। लेकिन मैनेजमेंट जब भी कोई ऑफर निकालती है ना, तो मैनेजमेंट एक हिसाब किताब लगाती है कि कितने लोग क्वालिफाई हो सकते हैं और उसमें कंपनी का कितना बड़ा बजट फंड जा सकता है ना। मैनेजमेंट चाहे तो 5,000 में दे दे, लेकिन हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट प्लान वाली कंपनी तो है नहीं है।